अभी रेक्स को थोड़ा सा बाथरूम करवा देता हूँ। अभी शाम का टाइम है ना, थोड़ा मस्ती वाला टाइम है इसका। मतलब 6:45 हो गए हैं और अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल पे। ओए अगर मैं चला गया ना तो फिर शाम से पहले तो आने से रहा। ओ शूट 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 ठीक हो ना? ये क्या हो यार अभी? वो शुगर है, रेक्स नहीं था उधर, सीधा यार इसी में दे मारी है तो। ओए नो 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 तो रेक्स अपना ये लड़ाई झगड़ा करके बैठ गया उनसे है। ये तो नहीं बेचारा कर रहा था, पर ये भी उत्पाती है, ये भी गुर्राता है उनकी तरफ। चलो पहले फोटो ले लेते हैं इधर से। अरे 4:45 हो गए यार, मैं सोच रहा था 4 ही हुए होंगे अभी तक तो। आज फिर अंधेरा होएगा और मैं सोच रहा था कि 4 बज रहे होंगे, बट नहीं 4:45 हो गए। मैं भी शॉक्ड हो गया, मैं फटाफट बाइक चलाई फिर। वैसे कम ही है डिस्टेंस अब तो, अराउंड रह गया होगा यार, अब तो बहुत चला लिया अभी बीच में काफ़ी। मतलब ये लगा लो कि 50-60 किलोमीटर बाद ही रोकी है मैंने, उससे पहले बीच में मैंने कोई स्टॉप नहीं लिया था। तो आई थिंक रह गया होगा अब तो 45, मैक्सिमम 50 रह गया होगा, उससे ज़्यादा तो क्या ही रहेगा। और तो पहुँच ही जाएंगे आराम से। और रेक्स दोबारा खड़ा हो गया पीछे, पूरा व्यू इन्जॉय कर रहा है यहाँ से। यहाँ पे वैसे कैंप कर सकते हैं अच्छे ही, मतलब खासी वो है, प्लेन भी है यहाँ पे। कभी रात को लेट हो जाए तो यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेक एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कैंप करो। थोड़ा सा श्रीनगर और रामबन से आगे थोड़ा सा उसके बीच में थोड़ा गड़बड़ सा है मामला, और बाकी सोनमर्ग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो कहीं भी कैंपिंग कर लो, थोड़ा सा बस साफ़ कर देना, पत्थर वत्थर हटा के, बढ़िया मज़े आएंगे। सुबह सामने का व्यू देखोगे ना जब सुबह सुबह उठ के टेंट में से अपने, तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके बाकी सब छोड़ो, नाउ यू कैन सिट रिलैक्स एंड एंजॉय द व्यू, क्योंकि स्ट्रेट रोड है और साइड में माउंटेन्स चल रहे हैं और नेक्स्ट लेवल फीलिंग है अभी इस टाइम पे। अरे रे 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 ये क्या है यार, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही है सामने। वाओ यार सीरियसली, मतलब मैं यही तो देख रहा था, मतलब वो रोड नहीं आई यार अभी तक, बिल्कुल स्ट्रेट है बिल्कुल जो रोड यहाँ पे। तो यार बनता है, रुकना यहाँ पे एक दो फोटो लेते हैं अच्छी अच्छी, और ये सब आपको इंस्टा पे देखने को मिलेगी। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल नीचे आ रहा होगा, बाकी तो जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है वही मेरा इंस्टा है, इंस्टा का नेम है रेक्स। रेक्स रेक्स तो फाइनली अब हम नीमो में हैं और ये यहाँ पे सारा आर्मी कैंप है, और ये इतना बड़ा माने स्टैचू जो है, सारा आर्मी कैंप्स है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर, मतलब ये दिखाना सही रहेगा या नहीं, बट पता नहीं यार मेरे को। तो सारा बेस कैंप ख़त्म होने के बाद अभी आया है, मतलब प्रॉपर जो नीमो सिटी है ना, जो टाउन है छोटा सा, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है, कैफ़े है, ढाबेज है, और क्या क्या है और भी है छोटा मोटा।
ओके, ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है यार। ये लाइन में पूरा जो उन्होंने बताया था कि अम्मा ने पूरे डेकोरेट कर रखे यार, इतने सही लग रहे हैं ये। ये हर विलेज में है, जो जितनी भी विलेज आएगी लद्दाख से पहले। ये देखो माने बोलते हैं इनको। ओके, जो ये वाला रोड है नीचे से जा रहा है, ये नीमू आया था विलेज, वहीं से एक रास्ता कट रहा है नीचे अलग से, और ये जा रहा पदम के लिए। तो पदम भी करना यार, जंस्कार वाला जो रास्ता है सारा वो यही वाला रास्ता है, ये यहाँ से जा रहा है। ये भी एक करना है मेरे को सर्किट अलग से जंस्कार वाला, अभी तो नहीं हो पाएगा बट नेक्स्ट टाइम ये वाला करना है ज़रूर। ओके, तो ये है संगम, ये उधर से जंस्कार आ रही है और इधर से ये इंडस है अपनी सिंधु जिसको बोलते हैं। तो दोनों का इधर संगम है, और इसका पानी देखो और उसका पानी देखो, उसका थोड़ा सा मतलब होता है ना मिट्टी मिट्टी वाला, और इसका पानी देखो थोड़ा सा मतलब वैसा लग रहा है, मतलब फ्रेश सा थोड़ा सा। तो दोनों का इधर संगम होता है, नीमो के अंदर संगम होता है, ठीक है। तो नीचे वहाँ पर भी फ़ोटो शूट चल रहा है लोगों का वहाँ पर। तो जो नीचे से ये रोड जा रही है ना, आप देख सकते हो वो जो पुल है वहाँ से, जो पुल क्रॉस करने के बाद जो वो स्ट्रेट वहाँ से जा रहा है जो रोड, वो सीधा वहीं जा रहा है। और उसके बाद जो ये रोड है पूरा पदम जंस्कार पूरा क्रॉस करने के बाद मनाली में जाके ख़त्म होता है, जो अटल टनल से पहले जिस्पा आता है शायद से, आई थिंक, तो वहीं पे जाके मिल जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मतलब इन्फो था और मेरे को भी अभी पता चला है। तो नीमो के अंदर इतना कुछ है, मतलब संगम है, जंस्कार से रोड कट रहा है, तो मेन एक कह सकते हो मेन हाईलाइट है ये भी नीमो। नहीं, साथ में ये भी है। एक फोटो खींच सकते हो? हाँ हाँ खींच लो, नहीं काटेगा नहीं। रेक्सी व्हाट व्हाट, मम्मी टेक अ पिक्चर फॉर यू। यस श्योर, थैंक यू। Where do I press? Just click this button. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Where are you from? I am from Sonipat, Haryana. Oh, okay. Sonipat, Panipat, you know? From Singapore. Oh, okay, okay. How is it, dog? Yeah, yeah. This is my dog. ये मेरा YouTube चैनल है, तो इस पर आप वीडियो देख लेना। आप भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड हो रहे हो अभी भी ना, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, इसका रेक्स नाम है, लिखा हुआ है साइड में। ठीक है भाई, ठीक है, नमस्ते अंकल जी। अभी संगम से मैं ले के लिए निकल ही रहा था, तभी मतलब कुछ भाई आए, मतलब और आंटी भी थी, अंकल भी थे, एक वो पानीपत से थे, तो स्पेशली मतलब उन्होंने रोकी और बातचीत की, तो फ़ोटो खिंचवाई उन्होंने रेक्स के साथ में, काफ़ी अच्छा लगा मिलके। नाउ टाइम इज़ 5:43, मतलब 6:45 हो गए हैं, और अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल पे। अब ये प्रॉपर मैग्नेटिक हिल है या फिर इल्यूज़न है, ये मेरे को कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वीडियोज़ भी बन चुकी है कि इल्यूज़न है, क्योंकि सामने देखो मतलब ऐसे लगता कि हाइट पर जा रहे हैं। और बाइक अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये पॉइंट है ना। हाँ हाँ, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्स हिज नेम? रेक्स लिखा हुआ साइड में ना इसके। हेलो, हाय, ये मन है बेटा, ये मन है। आप कहाँ से आ रहे हैं? रेक्स, मैं आई एम फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। इसको सोनीपत हरियाणा से। अच्छा, आप हरियाणा से? गाड़ी पे? हाँ, इसको साथ लाए हो आप? साथ में लेके आए। हरियाणा को रोहतक से? नहीं, सोनीपत। सोनीपत से? हाँ। कितना किलोमीटर ड्राइव करके आए? अभी हो गया अप्रोक्सीमेटली 1500। चलो आ जाओ, कम। रेक्सी, रेकू, कब कब आ जाओ, चलो इधर आओ, इधर आओ। रेक्स कम, आ जाओ, आ जाओ।
अभी रेक्स को थोड़ा सा बाथरूम करवा देता हूँ, अभी शाम का टाइम है ना, थोड़ा मस्ती वाला टाइम है इसका। हाँ फोटो करवाना एक। रेक्स कहाँ जाएगा? चलो आ जाओ सेट, आ जाओ सेट। ओके तो फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से मैग्नेटिक हिल से, तो सारे थम्स अप देके जा रहे हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। हाँ जी, ये गुरुद्वारे का नाम क्या है इसका? पत्थर साहिब? नहीं कुछ नहीं कहेगा। हाँ साथी लिखे है। जमा शफड़ी है? नहीं नहीं लगा लो हाथ, अभी मैं हूं ना तो कुछ नहीं कहता। नहीं मतलब वैसे अकेला होता ना तो फिर थोड़ा कर सकता था, अभी जैसे मैं साथ में हूँ ना तो हाथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब से निकल रहे हैं अभी, और यहाँ पे भी हमने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, आई थिंक आधा घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि यार मतलब जहाँ पे भी रोक रहा हूँ ना तो फोटो सेशन चलता रहता है, फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी कर लिया यहाँ पे। ओके सो फाइनली वी हैव रीच्ड ले, और अभी मार्केट के अंदर है, तो एक ये स्टोर दिखा था मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ कि रेक्स के लिए, तो मैं सोच रहा था कि रेक्स के लिए यहाँ से पनीर ले लूँ। पनीर होगा आपके पास? पनीर अमूल का जो पैकेट आता है वो नहीं है? वो कहाँ से मिल सकता है कुछ पता आपको? ये पनीर कैसे दिया? 235 290 केजी। अच्छा 290 केजी, आप कर दीजिए आधी किलो कर दीजिए। तो रेक्स के लिए पनीर ले लिया है, और अब की बार मैंने आधी किलो लिया है, क्योंकि पिछली बार जो एक किलो लिया था वो खट्टा हो गया था जब लास्ट टाइम मैंने दिया, तो उसने खाया नहीं वो थोड़ा सा, तो फिर वेस्ट होने से अच्छा है तो फिर थोड़ा कम ही ले लो, दोबारा ले लूँगा क्योंकि शॉप मेरे को पता चल गई लेके अंदर ये। और पनीर खाना है, रुको रूम पे जाके खाते हैं। फाइनली अभी लेके अंदर है हम, और लेके अंदर अभी हमने गेस्ट हाउस लिया है, और टाइम अभी ज़्यादा हो गया है, अराउंड 7:30 बजे एंट्री कर ली थी, देन फिर मैंने मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर किया यार आसपास, और जिस गेस्ट हाउस में अभी मेरे को नाम तो नहीं पता क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन बुक करवाया था वही सेम प्रॉब्लम, वहाँ पे डॉग अलाउ नहीं हुआ, देन फिर मैंने थोड़ा सा मैन्युअली सर्च किया, मतलब आसपास लोगों से पूछा कि कोई मतलब डॉग अलाउ करता अपने गेस्ट हाउस में, देन एक अंकल थे तो उन्होंने बोला हाँ आप आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैं सुबह दिखाऊंगा कौन सा गेस्ट हाउस है, क्योंकि अभी मैं रात को आके घुसा यहाँ पे भी अराउंड 9 बज गए थे, ज़्यादा नहीं हुआ था बट 9 बजे मैं अब गेस्ट हाउस के अंदर आ गया था। व्लॉग को एंड अप कर रहा हूँ मैं, और जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर सकते हो मेरे को, मैं वहाँ पे सारी फोटोज़ जो भी है ट्रिप से रिलेटेड या फिर रील्स है रेक्स की और मेरी, जितने भी मतलब अपडेट्स हैं वहाँ पे मिलती रहेगी, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब तो कर ही दे रहा है यार चैनल, इतनी मेहनत लग रही है ना, रेक्स को भी मैनेज करना पड़ रहा है, बाइक चलानी पड़ रही है, ऊपर से ब्लॉगिंग मतलब सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ रहा है, मेहनत बहुत लगती है इस काम में। एंड फाइनली मेरा परमिट भी रेडी है, मैंने ऑनलाइन ही करवा दिया था परमिट, अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैनुअली जाके आपको SDM ऑफिस से बनवाना पड़ेगा परमिट, अब ऑनलाइन कर सकते हो परमिट के लिए। ओके तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना क्योंकि खारदुंगा टॉप जा रहे हैं और नुब्रा वैली भी ठीक है, तो और पता नहीं मज़ा आने वाला है, तो और भी ज़्यादा मेरे को एक्साइटमेंट है अंदर से। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर कर देना यार अपने दोस्तों में वीडियो की, ऐसे ऐसे मतलब मैं लद्दाख लेके गया हूँ अपने डॉग को, थोड़ा मोटिवेशन और ज़्यादा मिलेगी, आगे वीडियो बनाऊँगा अच्छी, और भी ट्रैवल करेंगे रेक्स और में ठीक है, तो बाय बाय।